नमस्कार, बीसी न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। इंडियन क्लब ऑफ रॉयल एनफील्ड के युवा गुरुवार सुबह नागपुर से लेह लद्दाख के लिए कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बुलेट के साथ रवाना हुए। महापौर दयाशंकर तिवारी ने सुबह 5 बजे 0 माइल से समूह को सफेद झंडा दिखाया। शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर आयुक्त ने बैठक कक्ष में विशेष बैठक कर डेंगू को लेकर निगम द्वारा किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस समय नगर आयुक्त ने कहा कि जिस इलाके में डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां के हर घर का सर्वे करना जरूरी है। डेंगू के लार्वा साफ पानी में पनपते हैं, जिससे मच्छर पनपते हैं। इसलिए नागरिकों के घरों का सर्वे कर कहीं भी पानी जमा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। शिवारा में वेना नदी पर बने बांध के गहरे पानी में आज एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। हिंगना पुलिस ने शव को हटाकर आगे की जांच के लिए भेज दिया। डिगडो निलदो गांव की चलापूर्ति योजना के लिए हिंगना शिवारा में वेना नदी पर बांध बनाया गया है। नतीजा यह हुआ कि आज सुबह करीब 10 बजे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता देखा। हिंगना पुलिस को इसकी सूचना दी गयी। पांचपावली पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मंगलवार को शहर में करीब 1.5 घंटे तक अलग अलग स्थानों पर बैट, तलवार, लाठी और रॉड से लैस होकर आतंक मचाया था। आरोपियों के आतंक का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। पांचपावली पुलिस ने आरोपी अब्दुल जुबैर सहित 20 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, जो बाइक पर अपने साथियों के साथ आतंक मचा रहे थे। सरकार द्वारा लगाए गए स्टॉक लिमिट के विरोध में शुक्रवार को कलमना मार्केट का अनाज बाजार बंद रहा। पूरे देश भर में स्टॉक लिमिट का विरोध किया जा रहा है। इसे देखते हुए पूरे देश भर में कृषि मार्केट बंद रखकर सरकार विरोधी नारे लगाकर आंदोलन किया गया। आंदोलन में सभी व्यापारी, अर्थिया समेत किसान शामिल हुए। एसएससी बोर्ड के शुक्रवार को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें नागपुर विभाग का 99.84% परिणाम घोषित किया गया। ऐसी जानकारी विभाग सचिव माधुरी सावरकर ने दी। उन्होंने बताया कि नागपुर विभाग से कुल 155,505 विद्यार्थियों के परिणाम इस वर्ष घोषित हुए। बीसी न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।